will discuss about the prevention and control of the drug and alcohol abuse. Prevention and control. Prevention and control based on a idiom, that is prevention is better than cure, means agar kisi bhi person ko koi buri aadat hai related to taking of the drug or alcohol, to us aadat ko chhudwana uske treatment se better hoga ki agar hum us problem ko time se pehle hi notice kar lete hain ki wo प्रॉब्लम एडिक्शन तक चली जाए और उससे पहले अगर हमें उसकी नॉलेज हो जाती है तो हमें उस चीज को उस हैबिट को प्रिवेंट करना चाहिए बाय गाइडिंग हिम और हर और बाय टॉकिंग विद देम फॉर द प्रॉब्लम दैट इज इन दैट पर्सन. तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना ज्यादा बेटर है बजाय कि उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर से ट्रीटमेंट कराने के. तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग चाइल्ड या हम बात करें तो कोई मेच्योर पर्सन जो एडिक्शन की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा है उसको हम किस तरीके से इन सब चीजों से बाहर निकाल सकते हैं. तो सबसे पहला फर्स्ट हम कहते हैं अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर. कहते हैं कि हर बच्चे में हर स्टूडेंट में एक अपनी काबिलियत होती है, अपना उसका पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो क्या करना चाहता है, वो बेटर किस फील्ड में जज कर पाएगा अपने आप को. जैसे सम पर्संस मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वो फील करते हैं कि बेटा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, लेकिन बच्चे के अपने इंटरेस्ट हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन की फॉर्म में मतलब अपने आप को उभारना चाहता है या कोई भी अदर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसके अपने अपने पर्सनल उसके जो हैबिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो चाहता है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है. लेकिन कुछ पेरेंट्स या हम कहें कि जो पीयर ग्रुप है वो इस तरीके के प्रेशर्स उन बच्चों पर हावी कर देते हैं जिससे वो बच्चा अपने फील्ड को छोड़कर अपने पेरेंट्स की जो विश है उनको फुलफिल करने के लिए उस तरफ धकलता चला जाता है. तो उसका रिजल्ट होता है कि बच्चा अपने प्रॉपर जो काम करना चाहता है उसमें अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रॉपरली कवर अप नहीं कर पाता एंड ही गेट फेल्ड. और उस फेलियर को छुपाने के लिए ड्रग और एल्कोहल का अब्यूज करना स्टार्ट करते हैं. तो इस तरीके की जो पीयर प्रेशर है ग्रुप में या फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल में जो दबाव बनाया जाता है अपने साथियों के ऊपर, उन सब चीजों से हटकर काम करना चाहिए ताकि बच्चों में इस तरह से ड्रग या एल्कोहल को अब्यूज करने की प्रॉब्लम्स इंक्रीज ना हो. तो व्हाट इज इन अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड हिज और हर थ्रेश होल्ड लिमिट्स अपनी उस लिमिट से ज्यादा उसे पुश नहीं करना चाहिए. सेकंड हम कहते हैं कि अगर सपोज दैट कोई बच्चा गलत हैबिट्स में पड़ भी गया तो हम उसे कैसे वहां उस हैबिट से निकालने में उसकी मदद कर सकते हैं, दैट इज बाय द एजुकेशन एंड काउंसलिंग. एजुकेशन और काउंसलिंग मींस बच्चे को एजुकेशन और उसका काउंसलिंग उसकी गाइडेंस करके भी हम उसे उस बैड हैबिट से बाहर निकाल सकते हैं. जैसे टू फेस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस एंड फेलियर, कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना स्टार्ट कर दे, अपने ऊपर बने हुए दबाव जिस भी कंडीशन को वो बोदर कर रहा है ये सारी प्रॉब्लम्स उसकी खत्म हो जाए. लेकिन हम उसे इन सब चीजों से उभरने में कैसे मदद कर सकते हैं, बाय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर
करिकुलर एक्टिविटीज में हम क्या कर सकते हैं, बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे अलाउ कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, रीडिंग बुक्स लिसनिंग म्यूजिक योगा मींस उन सब चीजों से उस सफर्ड पर्सन का जो ध्यान है वो हमें वहां से हटाना है, ताकि वो उन ड्रग या अल्कोहल के बारे में ज्यादा ना सोचे और उसकी जो थिंकिंग है उसके माइंड को अंगेज किया जाए डिफरेंट एक्टिविटीज में, कि वो एक्टिविटीज जो एडिक्शन की एक्टिविटीज है वो उसके माइंड में फर्दर ग्रो ना करे। थर्ड, हम हेल्प कर सकते हैं बाय सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर्स। सपोज दैट कोई प्रॉब्लम स्कूल लेवल पर पता लगती है, तो उस स्कूल लेवल पर पता लगी हुई प्रॉब्लम का, मान लीजिए किसी बच्चे से ये पता लग जाए कि कोई बच्चा ऐसी बुरी आदतों को ग्रो कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर, तो हमें उन आदतों से हटना नहीं है, हमें उन आदतों को छुड़वाना है, उस बच्चे को हेल्प करना है। तो उसकी हेल्प के लिए हम उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, उन्हें अवेयर कर सकते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग हियर विद देयर वर्ल्ड, कि उनके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उससे रिलेटेड वो अपनी प्रॉपर गाइडेंस में उस बच्चे को रोक सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है, या फिर जो उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं, ऐसे फ्रेंड्स जिन पर फेथ किया जा सके, उन फ्रेंड्स से हम बात करके कि क्या उसके साथ ऐसा हुआ जिससे उसने इन बुरे आदतों को अपनी बॉडी में लेना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके की बातें करके या पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स से बातें करके हम उस समस्या को सुलझा सकते हैं, ताकि उस बच्चे का जो फ्यूचर है वो खराब ना हो और वो बच्चा उन सब चीजों से दूर हट जाए। तो इसमें हम लिख सकते हैं गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स help should be taken from close friends, ताकि उस बच्चे की प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके। नेक्स्ट, फोर्थ हम कह सकते हैं looking for danger sign में हम बात कर सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को बुरी आदत है ड्रग या अल्कोहल यूज करने की, तो उस आदत से उस बच्चे में एक एंजाइटी की फीलिंग होगी, गिल्टी की फीलिंग होगी, तो उन चीजों को हम नॉर्मली ना लेकर उनसे बात कर सकते हैं कि वो इस तरह से घबरा क्यों रहा है, या उसे कोई भी चीज छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो ऐसी चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेट कमिंग, घर देर से आना, ईटिंग हैबिट्स में चेंज होना, या कुछ गलत करना और उस चीज को छुपाना, ये सारी जो हैबिट्स है दीज आर द डेंजर साइंस, कि जिनको हम नोटिस करके जनरली पेरेंट्स या जो फ्रेंड्स हैं वो इन सब चीजों को नोटिस करके इन चीजों का पता लगा सकते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग विद हिम और हर, और उन चीजों से हम उसे दूर हटा सकते हैं, उसकी इन बुरी आदतों को रिमूव किया जा सकता है। दैट इज द इफ समवन यूजिंग ड्रग एंड अल्कोहल should not hesitate to bring this to the notice of parent and teacher। और ये भी कहा गया कि अगर किसी बच्चे में कोई बुरी आदत का पता लगे, तो उस आदत को वहीं छुपाने की बजाय, मान लीजिए कोई फ्रेंड है उसमें कोई बुरी हैबिट है, कोई ड्रग या अल्कोहल एडिक्शन की प्रॉब्लम
दिखाई दे रही है, तो हमें उसे छुपाने की बजाय टीचर से या उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा हेजिटेशन उस बच्चे को जो अल्कोहल या ड्रग एब्यूज जो अभी स्टार्ट हुआ है उससे उसे एडिक्शन देन डिपेंडेंस की तरफ ले जाए और उस बच्चे का फ्यूचर पूरी तरह से स्पॉइल हो जाए। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए हमें हेजिटेट नहीं करना है, पेरेंट और टीचर को इस चीज के बारे में बताना है। नेक्स्ट आता है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। और अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प भी ली जा सकती है कि अगर जो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की प्रॉब्लम एडिक्शन तक चली गई, डिपेंडेंस तक चली गई, तो हम उसे नॉर्मली बातें करके नहीं सुलझा सकते, उसके लिए हमें मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पर हेल्प ले सकते हैं और उनसे उस बच्चे के अंदर आई हुई बुरी आदतों को छुड़ाने में हेल्प मिल सकती है। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बच्चों से, या हम बात करें तो जो एडिक्ट पर्सन है उससे बात करके उसकी प्रॉब्लम को सुलझाने में हेल्प कर सकता है कि वो चीज ड्रग और एल्कोहल का अब्यूज क्यों स्टार्ट हुआ, देन उसे छोड़ने के लिए वो क्या रिमेडी दे सकते हैं। और रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिसे हम नशा मुक्ति केंद्र बोलते हैं, इन सभी सेंटर्स पर धीरे धीरे उन बुरी आदतों को छुड़ाने में हेल्प मिलती है। तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स और सर्टेन क्राइटेरिया विच हेल्प्स इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज।